राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा के विरोध के ऐलान के बाद आज सरकार के साथ गुर्जरों की वार्ता हुई है। वार्ता के बाद भी गुर्जरों का स्टैंड अभी भी वही है जो पहले था। आपको बता दें कि सरकार के साथ हुए समझौतों को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने पूरा करने की चेतावनी दी है और इसके बाद आज सरकार ने वार्ता का न्योता दिया। सरकार के न्योते के बाद करीब 2 घंटे तक सरकार के साथ 3 मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन ये मीटिंग से कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकला है और कल एक बार फिर से दोपहर 1 बजे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से समझौते पर वार्ता होगी। कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि गुर्जरों की सरकार के साथ वार्ता जो है वो सकारात्मक हुई है और अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल अफसरों से बात करके बाकी की मांगों पर भी मनाने की कोशिश की जाएगी। उधर राज्य मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि जो मांगे मानने वाली होंगी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन मांगों को माना जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ गुर्जरों ने अपना रुख साफ नहीं किया है। गुर्जर नेता विजय बैसला का कहना है कि सरकार को हमने सभी मांगे बताई हैं और कल फिर से बुलाया गया है और अभी तक हमारा वही स्टैंड है। हम राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करेंगे और यदि कल हमारी मांगे सरकार मानती है तो हम राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। कल 1 बजे दोबारा हम बैठेंगे, उस समय जो निर्णय लिया जाएंगे वो आपको विस्तार से बता दिए। देखिए, एक तो प्रक्रिया थी नहीं, बैकलॉग भर्ती, दूसरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के पेंडिंग केसेस, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना एवं गुरुकुल योजना, MBBS कोर्स में ट्यूशन फीस के आदेश और वर्ष 2019 में 2020 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य हुए समझौतों के संबंध में 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। कल 1 बजे कमेटी की मीटिंग वापस रखी गई है और उसमें आज के मुद्दों पर जिन जिन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, तकरीबन संघर्ष समिति को भी क्लैरिटी है कि किन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है और हमको भी क्लैरिटी है, लेकिन एक बार सब अधिकारियों के आगे सारे कानून नियमों को देखकर उनको कौन कौन को हम कर सकेंगे ये हम कल ओपनली डिक्लेयर कर देंगे। हम इसमें देरी नहीं करेंगे, 1 दिन का हम लोगों ने समय लिया। सारी की सारी बातें बता दी, अब उनके ऊपर है। कल उन्होंने कहा है कि 1 बजे बताएंगे मीटिंग करके, तो ठीक है फिर है ना। आप कल जो रिजल्ट आएगा उससे संतुष्टि या असंतुष्टि का पता चलेगा। आज तो कैसे बता सकते हो कल क्या होने वाला है। हमारा तो स्टैंड वही है, हमने तो अपनी बात रखी है, वही बात जो पहले थी वही बात हमने अभी रखी है। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 24 घंटे ही तो है, पता चल जाएगा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।